दिया गया है रिसर्चर सैंपल एन इंडिविजुअल रेंडमली, ठीक है। एक रिसर्चर है जो कि सैंपल ले रहा है किसी एन इंडिविजुअल का रेंडमली, ठीक है, फ्रॉम ए पॉपुलेशन ऑफ ब्लैक बग, ब्लैक बग जो पॉपुलेशन है उसमें से, ठीक है, एंड आइडेंटिफाई देयर सेक्स, और उनके सेक्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है, रेंडमली वो चूज कर रहा है और सेक्स को आइडेंटिफाई कर रहा है। द नंबर ऑफ फीमेल इन द सैंपल फॉलोज, अब इसमें कितनी फीमेल हैं, ये किस तरह से जो है, कौन सा इसमें से हम डिस्ट्रीब्यूशन चूज करेंगे, कुछ से हमें पता चलेगा कि ये इसके अंदर इतनी फीमेल है, ठीक है, उस सैंपल के अंदर। तो देखो यहाँ पर जो ब्लैक बग है वो एक हिरन होता है, एंटीलोप जिसे बोलते हैं, और इसमें से वो रेंडमली चूज कर रहा है, ठीक है, सेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि यहाँ पर फीमेल का जो है वो रेशियो ज्यादा है या मेल का रेशियो ज्यादा है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इनमें से हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चूज करेंगे, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखें, तो जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है किसी घटना के घटने के आधार पर, किसी टाइम पर कोई घटना किस तरह से घट रही है, ठीक है, मतलब कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि 1 घंटे में 10 बैक्टीरिया का निर्माण हो रहा है, मतलब 10 बैक्टीरिया बन रहे हैं, 1 घंटे में कितने बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहे हैं, 10 बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर एक टाइम इंटरवल है और एक इंडिविजुअल पॉपुलेशन है, ठीक है ना, मतलब टाइम के अनुसार जो चेंजेज आते हैं उसको हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में काउंट करते हैं। तो यहाँ पर ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लिख देते हैं यहाँ पर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये होता है, और इसको मेजर किया जाता है एक्सपेक्टेड टाइम के आधार पर, ठीक है, किसी भी घटना के घटने का क्या टाइम होगा उसके आधार पर ये काउंट होता है। बात समझ में आ गई? तो ये कॉमनली यूज किया जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं कॉमनली यूज यूज्ड टू मेजर द एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम में परिभाषा ये इस वजह से लिख रहा हूं ताकि ये आपको बाद में भी काम आएगी, फॉर एन इवेंट, फॉर एन इवेंट, ठीक है, यानी कि कोई भी घटना कब घट रही है और उसमें क्या प्रोडक्टिविटी आ रही है उसके आधार पर हम इसको एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को करते हैं। जैसे कि मान लो 0 टाइम पर, अभी 0 है, ठीक है, और कोई टाइम गुजरा और उस टाइम पर कोई घटना घटी, ठीक है ना, कोई टाइम गुजरा, टी गुजरा और उसके बाद में घटना घटी, उसको हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ठीक है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोई भी जो दो पॉसिबल आउटकम निकल के आते हैं उसको बोला जाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि टू पॉसिबल आउटकम, ठीक है, कोई भी दो पॉसिबल चीजें निकल कर आए तो उसे कहा जाता है बाइनोमियल, बाई का मतलब दो, नोमियल, ठीक है ना, दो चीजें निकल कर आती है तो उनको बोला जाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है किसी भी घटना का, ठीक है, किसी भी दिए गए टाइम पर कोई भी घटना घटती है, ठीक है, कितने इवेंट उसके होते हैं, मतलब कितने इवेंट घट रहे हैं किसी दिए गए टाइम पर, जैसे 10 मिनट में कोई भी बॉल जो है वो कितनी दूर जाती है, मतलब कि कितनी दूरी वो तय करती है, या इस तरह के जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं हम कि नंबर ऑफ इवेंट, इसमें क्या लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है, कितनी भी घटना घटती है, जैसे कि ओसिलेटर होता है, ठीक है ना, दोलक जो होता है वो 1 मिनट में 10 बार दोलन कर रहा है, तो 10 इवेंट हुए उसके 1 मिनट के अंदर, तो किसी भी समय में, किसी भी दिए गए समय में कितने इवेंट उसके हो रहे हैं उसको बोला जाता है, उसको काउंट किया जाता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, ठीक है। नंबर ऑफ इवेंट अकर अकर इन ए गिवन टाइम, इन ए गिवन टाइम, ठीक है, गिवन टाइम इंटरवल, ठीक है, किसी भी
टाइम इंटरवल के बीच में कितने इवेंट जो है वो घट रहे हैं उसको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर काउंट किया जाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और इसके अंदर हम जो है काउंट करते हैं मीन, मोड, मीडियन, इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर हम काउंट करते हैं मीन, मोड, मीडियन, इनको हम इसमें जो है काउंट करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर रेंडमली सेलेक्ट करते हैं चीजों को। तो अभी हम यहाँ पर देखें तो यहाँ जो ब्लैक बक की पॉपुलेशन है भाई, ठीक है, अब इसका जो रेशियो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई द सेक्स करना है, तो सेक्स दो ही होंगे, या तो फीमेल होगा या फिर क्या होगा, मेल होगा, फीमेल होगा या मेल होगा। अब रेंडम पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के लिए हमें क्या है सेलेक्ट करना है, जैसे कि मान लो पहली बार में सेलेक्ट किया तो आई फीमेल, ठीक है, पहली बार में क्या आ गई, फीमेल आ गई, दूसरी बार में भी क्या आ गई, फीमेल आ गई, तीसरी बार में भी क्या आ गई, फीमेल आ गई, चौथी बार में क्या आ गया, मेल आ गया। तो देखो दो ही सेक्स आ रहे हैं, दो ही सेक्स, दो ही आउटकम आए, या तो फीमेल आएगी या मेल आएगी, यही चांसेस रहेगा, या तो फीमेल का चांस रहेगा या फिर मेल का चांस रहेगा, तो दो ही पॉसिबल आउटकम निकल के आएंगे, तीसरा कोई आउटकम रहेगा ही नहीं। ठीक है ना, जबकि और में देखेंगे हम तो सब में इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट सी है। तो यहाँ पर जो है टू पॉसिबल आउटकम आने की वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पर जो है सेक्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और जो सेक्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है वो रेंडमली किसी को भी चूज करे दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा, या तो मेल होगा या फिर वो क्या होगी, फीमेल होगी। ओके, थैंक यू। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एग्जाम एट 2Z App।